सो वेलकम यू ऑल। इससे पहले वाले वीडियो में जस्ट हमने यहीं तक एंड किया था और हमने उसमें पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको आगे के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल्स हो गए, सेक्टर्स हो गए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इन सब के रिलेशंस आपको आने चाहिए, इनके थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप आगे में जब पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बेसिक क्लास 8 का आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। तो इससे पहले वाली जो ट्रायंगल का हम लोग जब वीडियो पढ़ाई किए थे, तो उसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बताया था। तो आज हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। लेटर से Q और S को हमने ज्वाइन कर दिया, और Q और S को ज्वाइन करने से ये क्वाड्रिलेटरल कितने पार्ट में बट गया, दो पार्ट में। तो ये जो दो पार्ट हैं, ये कौन कौन से हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ट्रायंगल है PQS, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो कौन सा हो गया, PQS के बाद दूसरा ट्रायंगल हो गया QRS। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं पूछूं आपसे कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या था, तो आप हमें क्या बताएंगे कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना था, 180 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल पी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए पी क्यू एस मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, केवल ये एंगल, फिर मैं ये एंगल की बात कर रहा हूं, और फिर मैं ये एंगल ले लिया, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। ये किस ट्रायंगल के लिए है, ट्रायंगल पी क्यू एस के लिए। नाउ ट्रायंगल क्यू आर एस के लिए, तो QRS में अगर लिखेंगे तो एंगल SQR प्लस एंगल QSR प्लस एंगल R मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने कौन सा लिया, एंगल SQR, SQR यानी ये वाला एंगल, और फिर QS आर यानी ये वाला एंगल, और फिर मैंने ये एंगल लिया। इन तीनों का भी, इसका भी कितना होगा, 180 डिग्री इस ट्रायंगल का सम, और इसका भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये है इक्वेशन नंबर वन, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल पी प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180। थोड़ा सा यहां रीअरेंजमेंट देखिए, एंगल पी क्यू एस जो सेंटर में होता है वही तो एंगल होता है क्यू, तो एक सेंटर में कहां है, यहां पे एस क्यू आर और पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी इस एंगल की बात चल रही है, और क्यू एस क्यू आर, एस क्यू यानी ये वाले एंगल की बात चल रही, ये दोनों मिलाकर क्या है, ये दोनों मिलाकर क्या है, ये टोटल है ना, तो टोटल क्या है, एंगल क्यू, यानी दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर तो है ही। अब जरा यहां पर देखते हैं, क्यू एस पी, क्यू एस पी यानी ये वाला एंगल, क्यू एस आर, क्यू यानी ये वाला एंगल, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो क्या मिलेगा, एंगल एस। तो मैं इसको और इसको एक साथ कर लूंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, एंगल एस मस्ट बी इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। तो अगर मैं प्रॉपर अरेंज करके लिखूं तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर एंड एंगल एस मस्ट बी इक्वल टू 360
डिग्री. सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जब ट्रायंगल का पढ़ा था तो वहां पर प्रूफ किया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इनके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए और एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना. चलिए तो हम लोग वन बाई वन एक एक क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे. पहला यहां पर मैंने बनाया हुआ है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें? क्वाड्रिलेटरल है तो चार पॉइंट्स होंगे ही. पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ जी आर ए एम, स्पेलिंग गलत है क्या? सही. पैरेललोग्राम की क्या होती है प्रॉपर्टी? कि अपोजिट साइड्स, मतलब ए बी के अपोजिट में कौन है? डी सी, इसके अपोजिट, और ए डी के अपोजिट में कौन है? बी सी. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हो गया पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी. दूसरा, डायगोनल्स. दिखने से ही लग रहा है डायगोनल्स इक्वल तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं. और इंटरसेक्ट को अगर मैं कहूं ऐसे कि ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल, यानी दिस हाफ मस्ट बी इक्वल टू दिस हाफ एंड दिस हाफ मस्ट बी इक्वल टू दिस हाफ. तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे. नेक्स्ट, पैरेललोग्राम में जो ये वाला एंगल होता है, अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स इक्वल होते हैं और यहां पे जो ये एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है. मींस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी. तो ये एक प्रॉपर्टी होती है. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ गए, अपोजिट वर्टेक्स एंगल क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं और ये वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है ना. ऐसा क्यों होता है? अगर ये जानकारी प्राप्त करनी है आपको, जैसे आपने ये पढ़ा है, मतलब कि अगर कोई पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक अगली लाइन कट करती है, पैरेलल लाइन को कोई दूसरी नेक्स्ट लाइन कट करती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं. उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ऐसा पढ़ा था ना, ट्रांसवर्सल एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, लेटर से एंगल वन. और अगर कोई और एंगल कट कर दे तो इसका और इसका सम, थ्री और फोर का भी सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180 डिग्री. तो अंदर ये शेप बना कौन सा? पैरेललोग्राम ही तो है ये. ये टोटल कितना हो गया? 360. और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों होता है और एंगल 1 एंगल 4 के क्यों इक्वल होता है? अगर इसको डायगोनली आप ज्वाइन करो, जैसे आप ज्वाइन करो, तो ये बताओ, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एंगल डी को बी के इक्वल क्यों बता रहे हैं, एंगल ए को सी के इक्वल क्यों बता रहे हैं. अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो मैं, अच्छा चलिए पहले हम सभी क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद बता दूंगा. बट फिलहाल आप अभी के लिए प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है ना, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई. चलिए, फर्स्ट हो गया पैरेललोग्राम. अगला है आपका रेक्टेंगल. बस बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है. ए बी सी डी, मैंने नेम रख दिया है ए बी सी डी, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया. तो जरा देखिए क्या निकल गया है भाई.
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये तो रोम्ब पैरेललोग्राम में भी था, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी थी ना कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में भी था, तो फिर रेक्टेंगल को ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी खास बनाती है कि जो ये पैरेललोग्राम से अलग है? वो प्रॉपर्टी बनाती है कि इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, और अगली चीज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, तो एसी इक्वल्स टू बीडी, ये डायगोनल है आपका, एसी एंड बीडी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट इसमें भी ये वाला और इसके इक्वल होता है और ये जो है इसके इक्वल होता है, बाइसेक्ट करते हैं और दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये तो आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में भी पढ़ा होगा कि ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके, वैसा यहाँ भी होता है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ का वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस आया, एक डिफरेंस आया है, सारी प्रॉपर्टीज सेम है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंड इक्वल, बट हर एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गई प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। चलिए अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी देखते हैं, पहले मैं रोम्बस ड्रॉ करता हूं, देखिए रोम्बस क्या होता है, ए बी सी डी, रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी है जो कि पैरेललोग्राम की है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा इसमें मैं कहीं कहीं गलती कर देता हूं, जैसे ये दो लाइन बनाई तो अपोजिट में इक्वल बनानी चाहिए, ये वाली जैसे यहां पे बनाई ना, ये दो लाइन इसके बराबर, ये एक लाइन इसके बराबर, और अभी चारों पर मैंने बना दी, इसका मतलब ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, मस्ट बी इक्वल टू सी डी एंड मस्ट बी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नेक्स्ट डायगोनल्स का जरा एक कंडीशन देखना भाई, क्या है डायगोनल्स में, क्या है, ये रहा डायगोनल ए डी, और दिखने से ही लग रहा है, दिखने से ही लग रहा है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक चीज जो दिख रही है वो ये है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, दे ऑल बाइसेक्ट दिस डायगोनल एट 90 डिग्री, ये सभी एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर, और इनका भी अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट वर्टेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ये रेड वाला रेड के इक्वल होगा और ब्लू वाला ब्लू के इक्वल होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या क्या चीजों का डिफरेंस आया है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर एंड एंगल्स आर नॉट 90, पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल ऐसा 90 नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में अभी हम लोग इस रिलेशन पे भी आएंगे कि क्या हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं, रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं या रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है या रोम्बस रेक्टेंगल कहा जा सकता है कि नहीं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनकी इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। और वही सेम प्रॉपर्टी रोम्बस की भी है पैरेललोग्राम की ही जैसी, बस एक डिफरेंस है कि सभी साइड्स क्या होने चाहिए, इसके इक्वल होने चाहिए। यहां तक समझ में आ गया रोम्बस के बाद, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर।
तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहां पे मैं स्क्वायर बना ले रहा हूं, स्क्वायर नाम रख दे रहा हूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये है हमारा स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, सेम लाइक रेक्टेंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, जैसा कि रेक्टेंगल में हुआ था, डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, मतलब ये वाला हाफ, ये वाला हाफ, ये और ये इसके इक्वल होगा, एंड दे ऑल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, सेम लाइक एज अ रोम्बस। तो सारी प्रॉपर्टी इसकी मिला के है, पैरेललोग्राम की, कुछ रेक्टेंगल की, कुछ रोम्बस की, और सबको मिलाकर एक प्यारा सा छोटा सा क्या बना हुआ है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स के एंगल भी वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, और सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं वर्टिकली में, और सारे एंगल ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक और बचता है, एक और नहीं दो हैं, पहला एक ट्रेपेजियम ले लेता हूं, फिर काइट ले लूंगा। ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके चार साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स होते हैं, उनमें से दो साइड अपोजिट साइड्स जो होने चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए, बस। मतलब अगर मैं ट्रेपेजियम बना रहा हूं तो ये जैसे बना है, ये ट्रेपेजियम, तो इसमें क्या है कि ये वाला साइड किसके है, इसके पैरेलल है, इक्वल हो या ना हो, मतलब ये इक्वल का साइन है, बस ये बता रहा हूं कि ये वाला साइड इसके क्या है, पैरेलल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये ट्रेपेजियम है। इसके अलावा ये भी ट्रेपेजियम हो सकता है, ये भी ट्रेपेजियम है, इसमें ये वाला साइड क्या है, इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड के दो जो है क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, आपका ट्रेपेजियम। एक और बचता है काइट, तो काइट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, काइट छोटा सा। देखो काइट की प्रॉपर्टी ये है, काइट काइट के जैसा दिखता भी है, ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए, यानी ए बी सी डी, तो ए बी ए सी के इक्वल होना चाहिए, ए बी ए सी के इक्वल होना चाहिए। शायद थोड़ा सा ऊपर साइड चला गया है, मैं यहां बना दे रहा हूं, ए बी सी डी, तो ए बी ए डी के इक्वल होना चाहिए और बी सी सी डी के इक्वल होना चाहिए। जो ये वाली साइड है ए बी, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना, सामने का जो ये एंगल है, एंगल वन एंगल टू आपस में बराबर होने चाहिए, एंगल वन आपस में, एंगल वन और टू आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों एंगल थ्री और फोर आपस में इक्वल हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, थ्री और फोर इक्वल नहीं होंगे, लेकिन वन और टू इक्वल होना चाहिए। अब आती है बात इनके डायगोनल्स की, तो बी डी को मिलाएंगे और ए सी को मिलाएंगे, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, यहां पे जो इंटरसेक्शन होगा वो कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। तो ये सभी आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल की सारी क्या है, ये प्रॉपर्टी है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद के हम लोग वीडियो में अब इसके थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी है, अब प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ के और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों एकदम अच्छे से इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।